हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका फैमिली किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं परवल का कलौंजी। हम आपको कट करके दिखाएंगे कैसे काटेंगे। मैं अच्छे से परवल को धो ली हूँ। अब हमको दोनों तरफ का पार्ट काट देना है एक चम्मच के सहायता से। हमें चाकू नहीं लगाना है, नहीं तो हमारा परवल फट भी सकता है। हमें ऐसे धीरे धीरे करके होल कर लेना है। इसका जो है अंदर का बीज निकाल लेना है हमें ऐसे चम्मच की मदद से। देखिए बिल्कुल ऐसे हमारा परवल बिल्कुल खाली हो चुका है। अब एक दूसरा भी कट करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ध्यान रखना है हमें इस साइड में हॉल नहीं कर, एक साइड में हॉल नहीं करना है, एक ही साइड से हॉल करना है ऐसे चम्मच से करते हुए। नहीं तो हम चाकू से करेंगे तो हमारा परवल ख़राब हो सकता है। इसे आसानी से धीरे धीरे करते हुए हम इसे निकालेंगे बिल्कुल ऐसे कर करके। ऐसे खाली कर लेंगे, सारा बीज निकाल लेंगे। खाने में बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए हमारे चारों परवल में अच्छे से होल हो गया है, बिल्कुल अच्छे से होल हो गया है। हमको एक साइड होल नहीं करना है, एक साइड बचा के रखना है बिल्कुल ऐसे। अब चलते हैं आपको सामग्री दिखाने। हम दो लहसुन के पार्ट बिल्कुल ऐसे दो होना चाहिए पेस्ट बना लिए हैं। 8 से 9 हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिए हैं। सरसों का पेस्ट बना लिए हैं, 2 चम्मच पेस्ट है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, इसे गरम। मेथी डालेंगे। अभी हमें मसाला भुनना है और फ्राई करने के लिए हम बाद में तेल डालेंगे। और हमारा मेथी चटक चुका है, अभी हम इसमें परवल के बीज को डालेंगे। इसे भी अच्छे से लाल कर लेंगे। हमारा परवल का बीज लाल हो चुका है। अब हम सरसों का पेस्ट डालेंगे। हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। मसाला डालेंगे 2 चम्मच। चलाएंगे, 8 से 9 कर देंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे। चटपटी के लिए आमचूर पाउडर डालेंगे। इसे मिलाएंगे। हमें इसमें पानी नहीं डालना है, इसको लो मीडियम पे ऐसे भूनना है। एक मिनट हो गया है, ढक्कन हटाएंगे। करेंगे
लेंगे, लेते हैं। हमारा मसाला भून चुका है, अब हम इसे उतारेंगे, गैस बंद कर देंगे। मसाला को हम थाली में निकाल लेंगे, अब इसे ठंडा होने देंगे। बिल्कुल इतना ही टाइट मसाला रखना है हमको। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम कलौंजी को तलने के लिए तेल चढ़ा लेते हैं। हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम कलौंजी तलने के लिए तेल डालेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम कलौंजी भर लेते हैं। हम अपना कलौंजी भर लेते हैं ऐसे, बिल्कुल कुल्फी की तरह हमको इसको भरना है, चम्मच की छोर से ऐसे उठा के ऐसे। हम हाथों से भी भर सकते हैं, कर करके हमको भरना है। हमारा कितना अच्छा भर गया है कलौंजी, अब हम दूसरा भर के आपको दिखाते हैं। कि हमने अपने चारों परवल को कितने अच्छे से भर लिया है। अब चलते हैं हम इसे फ्राई करने। अब हम अपना एक एक परवल डालेंगे तलने के लिए। मध्यम आंच पर हमें इसे पकाना है, ढक देना है, एक एक मिनट पे इसको चेक करते रहना है। मिनट हो गया है, हम देख लेते हैं अपने कलौंजी को। वाह, देखिए कितना अच्छा बना है हमारा कलौंजी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इसमें कच्चापन है, इसको वापस हम ढक देंगे पलट कर। अब वापिस एक मिनट के बाद फिर देख लेते हैं। हमारा परवल की कलौंजी अच्छे से पक गया है, मैं आपको इसे टिप करके दिखा रही हूँ। देखिए अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। देखिए हमारा परवल का कलौंजी कितना अच्छा तैयार हो गया है। अगर हमारा परवल का कलौंजी आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं दूसरे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।